वर्धा तूफान ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भारी बारिश तेज हवाओं की वजह से दक्षिण भारत जाम हो गया है। अगले 36 घंटों में तमिलनाडु के जो उत्तरी तट हैं, जो तटीय इलाके जैसे कि आपका पुडुचेरी हो गया, चेन्नई हो गया, तिरुवलूर हो गया, यहाँ भारी बारिश रहेगी। ऐसे में नेवी के दो शिप्स हैं, शिवलिक और कडमार्ट, ये 10 डाइविंग टीम इसकी तैनात कर दी गई है। 6 डाइविंग टीम रेडी टू गो पोजिशन में है ताकि समंदर में किसी भी तरह की जानमाल के खतरे को टाला जा सके, रोका जा सके। विशाखापट्टनम में 22 डाइविंग टीम स्टैंड बाय पर हैं। एक सर्वे शिप को भी स्टैंड बाय पर रख दिया गया है। राजाली और देगा नेवल एयरफेस स्टेशन पर नेवी एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर सभी ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। साइक्लोन के चलते 50 फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। इस तूफान की वजह से फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं, उनके रूट बदल दिए गए हैं। वर्धा तूफान को लेकर कुछ अलर्ट आपने दर्शकों को, कुछ अल्टीमेटम, कुछ सावधानी आप बरतें तो ज्यादा बेहतर है। चेन्नई, तिरुवलूर और कांचीपुरम जिलों की यात्रा करने से आप बचें। तमिलनाडु में जरूरी हो तभी आप अपने घर से बाहर निकले, वरना घर से बाहर ना निकले, पेड़ों के नीचे खड़े मत होइए, ना ही अपनी गाड़ियों को उनके आसपास लगाइए। अगर आप तटवर्ती इलाके में रह रहे हैं तो फिलहाल किसी सुरक्षित जगह पर अपने रिलेटिव के पास चले जाएं। तेज हवाओं से बचने के लिए अपने घर की खिड़की दरवाजे को अच्छी तरीके से ढक दें, बंद कर दें। अपने मोबाइल फोन, इमरजेंसी लाइट, इन्वर्टर, लैपटॉप को पूरी तरीके से आप चार्ज रखिए। टॉर्च के लिए एक्स्ट्रा बैटरी का इंतजाम कर लीजिए, अंधेरे में आपके लिए मददगार साबित होगा। राशन पानी, खाने पीने की कोई जरूरत चीजें अपने पास रखें। ये तूफान दरअसल बनता कैसे उसकी जानकारी दे देते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जब हवा की स्पीड कम से कम कह सकते हैं 63 किलोमीटर पर आर से ज्यादा देर तक बरकरार इस स्पीड पे रहती है तो 3 मिनट के भीतर ये हवाएं चक्रवाती हो जाती हैं, तूफान का ही रूप ले लेती हैं। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि चक्रवर्ती तूफान वर्धा का नाम पाकिस्तान ने दिया, और वर्धा का मतलब अरबी या उर्दू में गुलाब होता है, लेकिन तूफान की शक्ल में आ चुके वर्धा का कहर दक्षिण भारत में फेल हो चुका है।